सभी से ये कहना है कि जिस प्रकार से व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर जो है धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसे मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई गंभीर परिस्थितियां निर्मित होकर सांप्रदायिक स्थितियां बनकर समुदायों के बीच में हिंसा बढ़ रही है। मेरा आप सबसे ये कहना है कि किसी प्रकार के ऐसे मैसेजेस आप बिना सोचे समझे फॉरवर्ड न करें, और इस प्रकार से अगर किसी के द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसे मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाएंगे तो उन पर पुलिस की वो साइबर सेल की निगाह बनी हुई है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। कोविड-19 के संबंध में हम लोगों ने प्रारंभिक रूप से यहाँ पर काफ़ी अच्छा नियंत्रण किया था और इसमें सभी आम जनता का काफ़ी इसमें सहयोग था, और स्वतः ही लोगों ने खुद ही लॉकडाउन करके इस महामारी से उस समय हम लोग प्रारंभिक समय में हम लोग बचे हुए थे। लेकिन अभी चूंकि लॉकडाउन खुलने के बाद में लोगों के द्वारा जो है बाहर आवागमन किया गया, इसकी वजह से कहीं पर संक्रमित होकर वो आए थे, तो उसी की वजह से उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी वो संक्रमण हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरा आप सबसे ये अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही कम से कम लोगों से एक दूसरे से मेलजोल अत्यधिक आवश्यक न हो तो न करें। अभी जब तक इस तरह की चीज़ों का हमारे पास कोई समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग इससे अपने आप को बचा कर रखना ही इसका सबसे प्रमुख इलाज है। इसके अलावा और कोई इलाज नहीं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग साथ में मास्क लगाकर जो है रहें, इसके अलावा ज़्यादा भीड़ बनाकर एकत्रित न हो। हमारा आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग इसका पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें।